हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं परमल फ्राई, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमने आधा किलो परमल लिए हैं। ये वाले परमल है, लाइन वाले, मार्केट में बड़े इजी से उपलब्ध होते हैं। इसको सबसे पहले आगे और पीछे का पार्ट है जो अलग करना है, और चाकू से ऐसे इसको, जो ये लाइन वाला पार्ट है उसको हटा देना है। बड़ी आसानी से हट जाए। हटाकर इसको दो भागों में कट करेंगे और इसको ऊपर से ऐसे निशान लगा लेंगे। अलग नहीं करना है, बस कट लगाना है। इसी तरह हम सारे परमल को कट कर लेंगे। लीजिए, हमने सारे परमल को कट कर लिया है। इनको रखते हैं साइड में। और इसके लिए हमने मसाला लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसाले को आपस में मिक्स करते हैं। हमने मसाले को मिक्स कर लिया। अब एक बड़ा बाउल लेते हैं और उसमें परमल को रखते हैं और ऊपर से जो मसाला मिक्स किया था वो डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला सारे परमलों में बराबर लगना चाहिए। लीजिए, हमारे सारे परमल में मसाला लग चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। लीजिए, हमारे परमल को 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पे मसाला था जो अच्छे से कवर हो चुका है। अब गैस पर एक तवा रखते हैं और गैस को चालू करते हैं। इसमें डालते हैं तेल, 2 बड़े चम्मच तेल डालना है तवे पर। तेल को गर्म होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक परमल को उठाकर हाथों से तवे पर रखते हैं। लीजिए, हमने परमल को रख दिया है। ऐसे तवे को हिलाते हुए सारे परमल पर तेल लगाना है। परमल को बदलते नीचे से ऐसे अलट पलट कर, परमल तब तक फ्राई ना हो तब तक अलट पलटते हुए सेकना है इसको। परमल को ऐसे दबाते हुए सेकना है, इसका पानी जो सारा बाहर आ जाए, मसाला अंदर तक अच्छे से सेक हो जाए। इसमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखकर इसको ऐसे दबा दबा कर जो इसका पानी सारा बाहर आ जाए और मसाला को सोख ले, ऐसे इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से धीमी आंच पर भी 5 मिनट लगते हैं। लीजिए, हमारे परमल फ्राई हो चुके हैं। आप भी अपने घर पर ऐसे ही टेस्टी परमल फ्राई फटाफट कर सकते हैं। बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, उनको बहुत ही पसंद आएगी ये। कहीं भी सफ़र पर जाए तो ले जा सकते हैं। चावल रोटी किसी के साथ भी बड़ी टेस्टी लगती है खाने में, और बनने में भी टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं सारे प्रोसेस को करने में। इसको एक सर्विंग प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। लीजिए, हमने सारे परमल को बाहर निकाल लिए। आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।